गुड मॉर्निंग एवरी वन. वी आर रीडिंग द चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, द दिल्ली सुल्तान्स. और अभी तक हम रीड कर चुके हैं किस तरह से जो रूलर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपनी जो दिल्ली एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश की. इंटरनल फ्रंटियर और जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स थे उनके ज़रिए. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक्स. यानी खलजीज और तुगलक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे एक्सपेडिशन हुए, क्या क्या चीज़ें हुई कि उन्होंने अपनी जो एम्पायर है उसको एक्सपैंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें की, वो हम रीड करेंगे. लेट्स रीड. द कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम एज अ वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. अपनी जो किंगडम है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, मींस उसको संगठित करने के लिए, दिल्ली सल्तनत को चाहिए थे रिलायबल गवर्नर्स. जो उसके अधिकारी हैं जो उसको चलाने वाले हैं वो रिलायबल होने चाहिए, उनको उनका विश्वसनीय होना बहुत ज़रूरी था. रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्स एज गवर्नर, द अर्लियर दिल्ली सुल्तान्स एस्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज कॉल्ड बंदगन इन पर्शियन. तो ये इल्तुतमिश की बात हो रही है कि उसने स्पेशल स्लेव्स खरीदे थे मिलिट्री सर्विसेज के लिए, और उन स्लेव्स को, उन दास को बोला जाता था बंदगन. स्लेव्स क्या होते हैं? स्लेव्स जो होते हैं वो सर्वेंट्स से भी बदतर लाइफ होती है स्लेव्स की. यानी वो पूरी तरह से दास होते हैं जिसने भी उनको ख़रीदा है उनके. दे आर नॉट ट्रीटेड लाइक ह्यूमन बींग्स, और उनको बंदगन कहा जाता था. दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर एंड सुल्तान्स कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम. तो वो उन पर जो है मास्टर बिल्कुल विश्वास कर सकता था क्योंकि वो टोटली डिपेंड होते थे मास्टर के ऊपर. उनको खाना देना, उनका सोना, रहना, पहनना, सब कुछ जो है उनके मास्टर्स करते थे जो उन्हें खरीदते थे. तो मास्टर्स जो हैं अपने स्लेव्स पर बहुत विश्वास भी करते थे. द खलजीज एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज़ बंदगन एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु आर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस. और जो तुगलक्स और खलजीज हैं उन्होंने बंदगन जो है किसको प्रोवाइड करवाए, जो हाईली पॉलिटिकल पोजीशन पे उनके ऑफिसर्स थे उनको भी वो कई बार ये बंदगन दिया करते थे. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स. जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते थे उनको वो गवर्नर और जनरल की पोस्ट देते थे. हाउ एवर दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. लेकिन ये जो पॉलिटिकल पावरफुल लोग होते थे ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आते थे. मींस जो इनके मास्टर्स होते थे, जो रूलर होते थे, उनको धोखा देते थे कई बार क्योंकि ये जो है सारी बातें रूलर्स की जानते थे, उनकी कमज़ोरी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है. तो कई बार ये उनको ही ओवरपावर कर जाते थे. स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रंस बट नॉट टू देयर हियर्स. अ न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स. जो भी नया सुल्तान आता था उसके अपने नौकर होते थे, अपने स्लेव्स होते थे. एज अ रिजल्ट ऑफ असेशन ऑफ न्यू मोनार्क ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबेलिटी. कई बार ये कन्फ्लिक्ट भी देखा गया है, जो पुराने अधिकारी थे और जो नए अधिकारी थे उनमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है कि जो सुल्तान है ऑब्वियसली चेंज हुआ है तो वो अपने नए अधिकारी लेकर आएगा और जो पुराने अधिकारी थे उनको डीग्रेड करेगा. तो इनमें काफ़ी जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था. द पैट्रनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर ऑफ पर्शियन तावरिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसर्स. तो ऑथर ऑफ तारिक ने इस चीज़ का जिक्र भी किया है. उन्होंने कहा है कि कई बार लो एंड बेस बॉर्न को हाई ऑफिसर्स के में उनको अपॉइंट किया जाता था जो कि बिल्कुल गलत था अकॉर्डिंग टू देम. लाइक द अर्ली सुल्तान्स द खलजी एंड तुगलक मोनार्क्स अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज द गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेराइंग साइज. दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता.
जो खलजी और तुगलक मोनार्क थे वो मिलिट्री कमांडर अपॉइंट करते थे अपनी टेरिटरीज़ को, जो जो छोटे छोटे रियासतें थीं उनके उनके अंडर, उनमें वो मिलिट्री कमांडर्स अपॉइंट करते थे। और ये मिलिट्री कमांडर्स जो हैं इनको इक्तदार बोला जाता था, और जिस रीजन का वो अपॉइंट करते थे उनको उनको इक्ता बोला जाता था, यानी पीस ऑफ लैंड को इक्ता, और जो उसका होल्डर है जो उसको होल्ड करेगा उसको इक्तदार और मुक्ति बोला जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वाज़ टू लेड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। तो ये इक्तदार की या मुक्तीज की ड्यूटी क्या होती थी? इनकी ड्यूटी होती थी कि ये देखते थे कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे इनकी इक्ता में, यानी इनके जो लैंड है, जो भी ज़मीन, जो भी इनको एरिया दिया गया है कमांड करने के लिए, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ये श्योरिटी श्योर करते थे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। और इनको जो सैलरी कैसे मिलती थी? जो ये रिवेन्यू कलेक्ट करते थे उसी के ज़रिए इनको सैलरी मिलती थी, यानी वही इनकी सैलरी होती थी, यानी ये टैक्स कलेक्ट करते थे वहाँ रहने वालों का, जिस एरिया का इन्हें कमांडर बनाया जाता था उस एरिया से ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे और वही इनकी सैलरी होती थी। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यू। और अब ये जो कमांडर्स थे इनके अंडर बहुत सारे सोल्जर्स भी थे, तो ये उन सोल्जर्स को भी सैलरी प्रोवाइड करते थे उसी रिवेन्यू में से जो ये लोगों से कलेक्ट करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिसेज वर नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। तो इनको शिफ्ट भी कर दिया जाता था एक इक्ता से दूसरे इक्ता का कमांडर बना दिया जाता था कई बार, और जो है इनका हेरिटेबल नहीं था, मतलब ये नहीं कि फादर अगर इकदार हैं तो उनका बेटा भी इकदार बनेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। द रिजाइम ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक, अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज। तो इन्होंने अलाउद्दीन खलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने अकाउंटेंट जो है अपॉइंट किए थे, वो अकाउंटेंट किस लिए अपॉइंट किए थे? ताकि वो देख पाएँ कि मुक्तीज जो हैं अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। केयर वॉज टेकन दैन मुक्ति कलेक्टेड ओनली टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट। ये ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं क्या सरकार ने उनको वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए बोला है या नहीं, मीन्स ये एक पर्टिकुलर टैक्स ही कलेक्ट कर सकते थे अपनी मर्जी से, जो मर्जी अमाउंट में या जो मर्जी जिस मर्जी चीज़ पर ये टैक्स नहीं लगा सकते थे। तो जो रूलर ने ऑर्डर किए हैं क्या ये वही ऑर्डर से टैक्स ले रहे हैं या नहीं, तो ये देखते थे अकाउंटेंट। तो बाय द स्टेट एंड ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। और क्या इन्होंने अपने सोल्जर्स की संख्या को बढ़ा तो नहीं लिया? ये भी देखा जाता था रूलर्स के, सुल्तान के द्वारा, कि जितने इनको सोल्जर्स बोले गए थे तो उतने ही सोल्जर इनके पास रहने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल, दे फोर्स टू लैंडेड द चीफतान्स द समंताज एरिस्टोक्रेट्स। समंताज कौन होते थे? बड़े बड़े जमींदारों को समंताज बोला जाता था, और ये भी गाँव में होते थे। एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो ये अथॉरिटी किसको मिलती थी? रिच लैंडलॉर्ड्स को। अंडर द अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो खलजी के स्टेट में ये जो कलेक्शन है लैंड रिवेन्यू, जो मेन कमाई होती थी, मेन जो अर्निंग होती थी राजा की, वो यही रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू था। तो अलग अलग पार्ट्स में जाकर ये लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और अलग अलग तरीके से कलेक्ट किया जाता था। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड कीप केयरफुल अकाउंट्स। तो जितनी भी लैंड जो है उसके एरिया के अंडर आती थी, उसके रीजन के अंडर आती थी किसी सुल्तान के, उस लैंड को मेजर किया जाता था और फिर बाद में उसका अमाउंट बनाया जाता था कि कितना रिवेन्यू हमें इस ज़मीन से आएगा। Some of the old chieftain and landlord served the sultanate as revenue collectors and assessor. There were three types of taxes, one on
cultivation called kharaj, the amounting to about 50% of the peasants produce on cattle and on houses. तो तीन तरह के टैक्स जो है वो इम्पोज किए जाते थे आम जनता के ऊपर. फर्स्ट वो है कल्टिवेशन के ऊपर. जो कल्टिवेशन का टैक्स था उसको खरज भी बोला जाता था. और खरज जो है जो भी पीजेंट की टोटल प्रोडक्शन होती थी उसका 50% जो है खरज के तौर पर ले लिया जाता था. उसके बाद है नेक्स्ट टैक्स, उसका नाम है ऑन कैटल. जितने भी पशु पालते थे तो उन पर भी टैक्स लगता था. वो अलग अलग फॉर्म्स में उन टैक्सेस को दिया करते थे. उसके बाद है ऑन हाउसेस, घर के जो टैक्स थे वो भी देने पड़ते थे आम जनता को, सुल्तान को. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ डेली सुल्तान. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेज लाइक बंगाल फ्रॉम डेली एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग द सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट. तो हुआ क्या कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट था इंडिया, तो उसमें दिल्ली के बाहर का एरिया को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रखा था उस टाइम. और दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करना मुश्किल था. उसके बाद जो सदर्न पार्ट्स जो कंट्रोल किए थे या जीते थे उनको भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था दिल्ली से. इवन द गाइगेंटिक प्लेन्स देर वर फॉरेस्ट एरियाज दैट सल्तनत फोर्सेज कुड नॉट पेनेट्रेट. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. तो होता क्या था, अब इतनी दूर का एरिया है तो सुल्तान को पता नहीं चलता था कि कब जो है वहाँ के जो भी chieftains हैं उन्होंने वो उस एरिया को कैप्चर कर लिया. तो इसीलिए काफ़ी दिक्कतें आती थी और काफ़ी चीज़ें जो है सुल्तान के हाथ से छूट जाती थी, या हम कह सकते हैं कि वो सुल्तान के रूल से अलग चलने लगती थी. तो इस पार्ट में इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम रीड करेंगे नेक्स्ट मंगोल किस तरह से आए, गंगेज खान ने कैसे इन्वेड किया, तो वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे. होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.